दिखाई है। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले वाले सीधे साधे किसान सी जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया।